क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये 3 दिवसीय फ्री योग प्राकृतिक शिक्षा तथा जन जागरण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। कौन सा गांव है? गांव गुदराणा। तो स्पॉन्सर करवाया अपने प्रोग्राम कहीं से? हाँ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी नई दिल्ली से स्पॉन्सर करवाया इसको। तो क्या करते हैं आप, गाँव गाँव में जाते हैं? हाँ, गाँव गाँव में जाते हैं, शहर में भी जाते हैं। पानी मिट्टी धूप हवा से योगासन प्राणायाम ध्यान से मुफ्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। कौन सी संस्था है जो इसका आयोजन कर रही है? ग्रामीण मानव सेवा समाज। नहीं, ये संस्था है तो किस नाम से आपने रखा हुआ है नीचे के सेंटर? लक्ष्मी योग प्राकृतिक शिक्षालय। क्या सिखाएंगे आप? ये इनको आसन प्राणायाम ध्यान और पानी मिट्टी धूप हवा से इलाज, इसके बारे में जानकारी भी देंगे और फ्री ट्रीटमेंट भी करेंगे। हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं आप ये? 15-20 साल से काम कर रहे हैं। आपकी बैकग्राउंड क्या है? मैं तो BDO रिटायर हुआ। फिर रिटायरमेंट के बाद कब, 91 में रिटायर हुए थे आप? यस, 91 में रिटायर हुआ। उसके बाद फिर क्या किए, किसने विचार दिया आपको भी इस लाइन से जुड़े हैं आप? योग प्राकृतिक शिक्षा मैं पहले से करता रहा हूँ उसके अभ्यास को, और फिर मैंने इसको अमली जमा पहना दिया रिटायरमेंट के बाद। कितने साल हो गए आपको? 18-20 साल हो गए। तो अब क्या क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका इसका? ये समाज सुधार का है, उनका ट्रीटमेंट फ्री देने का विचार है, बिना दवाई ला, पानी मिट्टी धूप हवा। नहीं, ये तो बहुत लेंथी रहेगा, तो एलोपैथी का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, एलोपैथी का तो जितना भी प्रचार प्रसार करेंगे और इसके जब लाभ लोगों तक पहुंचेंगे तो स्वयं आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, जो आम धारणा है लोगों में कि वो तो जल्दी तुरंत इलाज चाहते हैं, और वो एलोपैथी कर सकती है आपकी नेचर की ओर तो नहीं कर सकती? तो नेचर की ओर में जब आप जीवन शैली बदलेंगे, खाना खुराक ठीक होगा, आपके विचार ठीक होंगे, आप फिजिकल फिट होंगे, तो सारी बात ठीक हो जाएगी। ऐसी बात तो है नहीं ना, ये तो करने वाली बात है। तो क्या क्या नेचर की ओर में क्या सिखाते हैं आप? पानी मिट्टी धूप हवा के लाभ। नहीं, क्या करते हैं उससे? पानी मिट्टी से को फाके थोड़ी मारेंगे धूप का पानी का, क्या होगा उससे? मिट्टी की पट्टी है, एनिमा है। आप पट्टी किसके लिए पट्टी होगी? वो पट्टी पेट के रोग के लिए। उसमें पेट के रोग क्या क्या होते हैं? उसमें कब्ज है, एसिडिटी है, वायु विकार है, अफारा है, वो सब पेट की मिट्टी से या गिल्ली गर्म पट्टी है। आँख सनान है, एनिमा भी है, और छाती की पट्टी दिल के लिए बहुत उपयोगी है। गले का रोग हो, गुर्दे का रोग हो, उनमें भी गिल्ली गर्म पट्टी बांधी जाती है। कौन सी मिट्टी होती है ये? तो साफ सुथरी कंकर रहित मिट्टी होती है, उसको छान के फिर भिगोते हैं। चिकनी मिट्टी? हाँ, चिकनी मिट्टी, तोमर मिट्टी, बढ़िया दोमट। हाँ, उसकी पट्टी करते हैं, उसको आटे की तरह। महात्मा गांधी बड़े भगत से मिट्टी के, उनको कब्ज रहती थी, वो कब्ज जो है वो मिट्टी की पट्टी से ही ठीक हुई। उन्होंने होम्योपैथी भी ली, फ्रूट सॉल्ट भी लिया, पर उनसे उनको कोई आराम ही नहीं मिला। तो मिट्टी जो है बड़ी कारगर चिकित्सा है। और इसके बाद पानी से क्या करेंगे? पानी से भी गर्म ठंडी सेक है, ये एनिमा है, सटीम बात है, भाप स्नान हुआ, कठी स्नान है, ये भी प्रोस्टेट वगैरह है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पैरों का गर्म नान है, ये बड़ी उत्तम चिकित्सा है। कितने रिजल्ट क्या है आपके पास, कितने आदमी आपने ठीक किए अब तक? रिजल्ट कम से कम हमने 5-6 हज़ार आदमी ठीक किए। कितने कैंप लगाए? कैंप लगाए कोई 20-30 कैंप लगाए। तो आज ये जो आए बहने माताएं बहने आई, इनका क्या, इनसे पूछोगे आप क्या बीमारी इनको? इनसे पूछेंगे, इनका रोग लिखेंगे, फिर रोग का निदान करेंगे, योग आसन प्राणायाम ध्यान से भी, शवासन वगैरह भी, मेडिटेशन भी, और पानी मिट्टी धूप हवा से भी इलाज करेंगे। ठीक है। कितनी उम्र है? अच्छा जी, अच्छा, तीसरे नंबर। और बताओ नाम बताओ। उम्र कितनी है? 40-35 साल। 45 की थी। घुटनों में तकलीफ है?
और बताओ आप बताओ अम्मा क्या नाम है मेरा हीरो है अच्छा जी अम्मा अपने नाम बताओ उम्र कितनी है आप 60 लिख लें अच्छा तकलीफ बताओ तकलीफ मेरे घुटनों में अच्छा और कमर में दर्द रहे घुटनों माया माया उम्र कितनी 45 होगी 40 42 चलो क्या तकलीफ है क्या नाम है अशोक बता दे भैया तक अशोक कितनी उम्र भाई मेरा 15 ही है कमर में दर्द कैसे हो गई इतनी उम्र में कैसे हुआ है खेलता है ना खेल हाँ भाई और किसी को बच्चे हो गए पैर में एक पैर में क्या नाम कौन से आते हैं तो यार बेजन का हमारा यार आपका सटा आप भी है अरे काय को तुम जाल में फंस रहे हैं बेटा वैसे खेले कूद रहे हैं मकान चार में फंस रहे तो बड़े बूढ़े हैं हमार पास अल्लाह का दर्द ना ऐसा दया चपरे होती